सहायता से सेना पर मैं दावा करता हूँ। दहीने हाथ ने तेरे मुझे संभाला है, मौत के फंदे से मुझे छुड़ाता है। दहीने हाथ ने तेरे मुझे संभाला है, मौत के फंदे से मुझे छुड़ाता है। तू मेरी डाल, तू मेरी चट्टान, तू मेरा ईश्वर है। तू मेरी डाल, तू मेरी चट्टान, तू मेरा ईश्वर है। तेरी सहायता से सेना पर मैं दावा करता हूँ। तेरी सहायता से सेना पर मैं दावा करता हूँ। गहरे जल में से तूने निकाला मुझे, जय दिया युद्ध में सामर्थ्य कर मुझे। गहरे जल में से तूने निकाला मुझे, जय दिया युद्ध में सामर्थ्य कर मुझे। चौड़िस्तान में लाया मुझको, तेरी की स्तुति में करूं। लाया मुझको, तेरी स्तुति में करूं। तेरी सहायता से सेना पर मैं दावा करता हूँ। तेरी सहायता से सेना पर मैं दावा करता हूँ। तेरी सहायता से शर्पना को लांग जाता हूँ। तेरी सहायता से तेरी सहायता से सेना पर मैं दावा करता हूँ। करें मुंह खोल कर आराधना कीजिए, कोई भी मुंह बंद ना रखना, बच्चे लोग भी मुंह बंद ना रखना। हालेलुया, होठों की बलिदान के द्वारा ओरी कबा तबा रबा सिरे बदा प्रदे बरबा बबा मरे मादो को सिगे रपरे कड़े बरा कबा खबा दलल गरा गदा गरग दे मरु खबा करब दे आवरश कदा प्रदे कदबा बरबेरे प्रभा। हालेलुया प्रभु, आराधना आराधना आराधना। ओ तेरे समान कौन गया, लक सिके तबा ओ तिलाकस वैसे कता बरबा पबा, तेरी तुलना कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया महान परमेश्वर, हालेलुया शिकने प्रताप रख देवा को कोरे कबाला बरबा तुला गबरबा तुला बरा शर्पना है यीशु नाम। 1544
देता चंगाई हर रोग से, स्वर्ग ले जाता है मैं पापों को, धोता है यीशु नाम, यीशु नाम देता चंगाई हर रोग से, स्वर्ग ले जाता है मैं सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, ईशु नाम, ईशु नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, हर घुटना झुकेगा हर जुबान कहेगा ईशु ही प्रभु, हर घुटना झुकेगा हर जुबान कहेगा ईशु ही प्रभु, मधु सी मीठा है ईशु नाम, जीवन की खुशबू फैलाता नाम, उद्धार के लिए ये की नाम पिता ने दिया है मैं, मधु सी मीठा है ईशु नाम, जीवन की खुशबू फैलाता के लिए एक ही नाम पिता ने दिया गमे, ईशु नाम, ईशु नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, ईशु नाम, ईशु नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, ईशु ही प्रभु, हर घुटना झुकेगा हर जुबान कहेगा ईशु ही प्रभु, शगर पना है ईशु नाम, शरण स्नान पर ईशु नाम, धर्मी शरण हालेलुया से शर्पना ईशु नाम, शरण स्नान ईशु नाम, धर्मी शरण उसमें लेता है बचाता दुर्घटना से, हालेलुया 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 करला बाबा रे कदे मेरे सरा बाबा ने करबे दे परा जीसस वी लव यू रपरतले कदा बाराबा करे मलु बारा अक्रम खदा द कसरे तला हाल प्रभु को आराधना करें, आराधना करें, बच्चे लोग भी मुंह बंद कर आंख बंद करके मुंह खोल कर आराधना करें, हालेलुया हालेलुया मरेल बरा क्रब दे करब शबर बतवार बगा कर रखदा कर कुलू कर प्रकदा प्रदा परबा, सब लोग आराधना करें, भाई लोग भी हालेलुया, जवान बच्चे दोरे कदा ले सरक दे पूरा हफ्ता प्रभा में संभाला, हर एक दुर्घटना से हमें बचाया, हमें शरण स्थान दिया, हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से जो जो मांगा हमें दिया, हालेलुया परे क्रब खदो कर शग दे कर बाबा, सब लोग हालेलुया आराधना करें, आराधना करें, आराधना का समय है, किला खला बदखा रबति ने करेगे ते परखा मलेल बरकन परस्करा बरवेदे का, हालेलुया 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 पवित्र आत्मा तेरी जय हो, शिरा रबा बेरे करम करबा हमारे बीच में जागृति देने वाला पवित्र आत्मा, ओ सर्व प्रदान दे कबक बोरिय करा पवित्र आत्मा तेरी जय हो, ओ सामर्थ देने वाला पवित्र आत्मा, हमें पवित्र करने वाला पवित्र आत्मा, जय देने वाला पवित्र आत्मा, करे कपा रबा लबा खबा कबा पूरा पूरा जय देने वाला, रोस रखबे तुरा छिड़े भरो कलम खुरु प्रक्रबा परा, हालेलुया 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 उसका लेक तमारो बदे कर पापा परा खुदे करा आले बर रखरे मत हालो लो सरकवा चोड़िया तबाकर बड़ोरे परा प्रदा परे गरपा परम प्रदान परमेश्वर हमारा खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं,
हमारा ऊपर तरस खाने वाला हालेलुया। ओ महायाजक यीशु मसीह आप हमको धन्यवाद करते हैं शीडाला खमे करमे खबर एक तुम्हारो हालेलुया 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 और या खबर खबर बचाया तूने दिया सारा तूने मुझे बचाया पाप विसलने पर तूने थाम लिया मुझसे पैरों को फिसलने से ओ आंखों को आस मुझसे पैरों को फिसलने से प्राण को मौत से बचाया तूने बचाया मुझे प्राण को मौत से बचाया तूने बचाया मुझे तूने मुझे बचाया तूने दिया है सहारा तूने मुझे बचाया गिरनी के पाप समान रखता ऊंचे स्थान पर गिरनी के पाप समान रखता ऊंचे स्थान पर जय दिया तूने युद्ध में मुझको तूने बचाया मुझे ओ जय दिया तूने युद्ध में मुझको तूने बचाया मुझे तूने मुझे है बचाया तूने दिया है सारा तूने मुझे है बचाया खबरे खलाल बरा खबा दे खबा खबरे सबा खलेले बेरे कना प्रताल करे बरा कदा बरा हालेलुया रकरमगानुरो सरप्रदा तरवे हालेलुया 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 आराधना हो आराधना हो तेरी आराधना हो प्रभु कलिसिया में तेरी आराधना हो एक एक प्रभु भाई बहनों से तेरी आराधना हो सुरो कथा पर हवा करा दूतों के संग हालेलुया दूतों के गीतों के संग हमारा गीत भी हालेलुया हमारा आराधना भी प्रभु ओ सर कबा मिल जाए आराधना में छुटकारा गए आराधना में छुटकारा मिलता है हालेलुया आराधना आप अच्छा से करेंगे वचन भी आपका अंदर अच्छा से बैठ जाएगा हालेलुया वचन के लिए अपना अपना दिल को तैयार कीजिए हालेलुया आराधना कीजिए आराधना कीजिए और शका बाबा रख रे बताबा रबा अन्य भाषा में आराधना अन्य भाषा में आराधना अन्य भाषा में आराधना ओ रपाता करबा सरबा रबा तुबा मो करबा लबा रबा तुला परबा अरे लखरा रबे दे पनार दे बे परो मेरे कबाद बलो कदो करो सरा कलल बरा क्रम खबार करे बे तुबा कलेल करा क्रम खबार प्रगो तेरा का हालेलुया रचला तेरे तले
मगेरे पनारा प्रकाल बरे ओ सर्व बंदरा गरे पना क्रवा परवा तवा अन्य भाषा में आराधना अन्य भाषा में आराधना ओ भाई लोग भी हालेलुया आवाज उठाकर हालेलुया पूरे बल से आराधना रोज सरक कबरे बरे परा परा पूरे बल से आराधना चुपचाप बैठ के नहीं हालेलुया पूरे बल से आराधना मरक करबद आप रगड़े परा करे मलेल बरे कना रगदे करा सोड़े रप रखरा पर क्रबे तेरे करा और यह सकते का की सजा यीशु तुझे मिली मेरे गुनाहों की सजा मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली सब मिलके मेरे गुनाहों की सजा इल्ल माले ले तू त्याग गया अपनाया गया तू पकड़ा गया मैं आजाद हुआ तू श्रापित हुआ मैं आशीषित हुआ मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली मेरा अपमान हुआ मेरा सम्मान हुआ तू दोषी बना मैं धर्मी बना मुझे नफरत मिली मुझे प्रेम मिला मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे तुझे सजा मिली मुझे माफी मिली तूने कोड़े खाए मुझे मौत मिली मुझे जीवन मिला मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली सब मिलके मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली तू त्यागा गया मैं अपनाया गया धन्यवाद
बात करेंगे। वध हुआ मेमना, बलिदान हुआ, वधुवा मेमना धन्यवाद ईशु तुझे आद महिमा ईशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वधुवा मेमना ईशु तुझे तेरा युग युग रहे। वह सताया गया सब मिलके तो भी सता रहा हमारे पापों का बोझ ईशु तुझ पर लादा गया। तुझको माना गया हमारे अधर्मों के कारण ईशु कुचला गया उस पर लटका दिया श्रापित तुझको माना गया हमारे अधर्मों के कारण गया। वधुवा मेमना धन्यवाद ईशु तुझे याद महिमा ईशु राजा तेरा हरा युग युग रहे। वधुवा मेमना धन्यवाद ईशु तुझे याद ईशु राजा तेरा राज युग युग रहे। सूली पर चढ़ कर भी फिर से जो जीवित हुआ हरा दिया शैतान को छुड़ाने परेशान को। सूली पर चढ़ कर भी फिर से तू जीवित हुआ हरा दिया शैतान को इंसान को। वधुवा मेमना ईशु तुझे याद महिमा तेरा युग युग रहे। सब मिलके वधुवा मेमना धन्यवाद ईशु तुझे
आदर महिमा यीशु राजा तेरा युग युग रहे। धन्यवाद, हालेलुया, तेरा राज्य युग युग रहे। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाला, अपने वायदा किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक आप हमारा संग रहने वाले परमेश्वर, हमारा पाप अपराधों को क्षमा कर और एक बार तेरे लहू से धोकर हमें शुद्ध कर, कलीसिया को पवित्र बनाइए, तेरे समान बनाइए, तेरे महिमा के लिए हमें खड़ा कीजिए। आपके हाथों में हर एक बच्चों को, हर एक भाई बहनों को
समर्पण करता है यीशु के नाम से पिता, आमेन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 17वां वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण है ना, एक मनुष्य का अपराध है, उसके कारण क्या किया, मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया। तो उस एक ही के द्वारा मृत्यु राज्य कर सकते हैं, नहीं तो जीवन राज्य कर सकते हैं। आपका जीवन में मृत्यु राज्य करेगा तो कैसा रहेगा, जीवन राज्य करेगा तो कैसा रहेगा, वही हमने देखने जा रहे हैं। जीवन राज्य करेगा उसका जीवन कैसा रहेगा, मृत्यु राज्य करेगा। कौन सा राज्य चाहिए, हाँ कौन सा राज्य, जीवन आपके ऊपर में राज्य करना है, परमेश्वर का जीवन आपका जीवन में राज्य करने के लिए आज हम वचन सुन रहे हैं। इस वचन को समझाने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करें, मुझे मदद करें। तो हमेशा बाइबल स्टडी, बाइबल का जब हम अभ्यास करते हैं, बहुत बड़ी आशा के साथ आपको बाट जोते रहना है। इसके अंदर जो ज्ञान है वही आपको कर्जा से बाहर लाएगा, इसके अंदर जो ज्ञान है वही पापों से आपको बाहर लाएगा, इसके अंदर जो ज्ञान है वही शैतानिक बंधन से आपको बाहर लाएगा, बीमारी से बाहर लाएगा। आपकी बीमारी है सालंबर का हो सकता, बीमारी लगातार चल रहा है तो जरूर मृत्यु राज्य कर रहा है। सालंबर की पापों की आदत है, मतलब मृत्यु राज्य कर रहा है। विश्वासी है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हो चुके हैं, लेकिन मृत्यु आपका जीवन में कोई इलाका में राज्य कर रहा है। तो आज इस वचन को समझने के लिए कोशिश कीजिए, समझाने के लिए मैं भी कोशिश करूँगा, है कि नहीं। ऐसे ऐसे वचन को समझाना पवित्र आत्मा से ही हो पाएगा। भले हम सालों भर से पढ़ रहे हैं, इसका हमने जीवन में अनुभव भी किए हैं, लेकिन इसके और भी काफ़ी सारे चीज़ें अभी मैंने भी अनुभव करने का बाकी है, आपको भी अनुभव करने का बाकी है। तो राज्य, जो राज्य करेगा उसके परिणाम दिखेगा। बोले जो भी चीज़ राज्य करेगा उसके परिणाम दिख जाएगा, है ना। अभी देखो एक ही दिन में बांग्लादेश का नेता भाग गए, परिणाम क्या हो रहे, सब हलचल मचा है, मारपीट, पकड़ पकड़ के मारते हैं दूसरे धर्म वालों को, कुछ नहीं। कोई जो चीज़ राज्य करेगा उसके परिणाम दिख जाएगा। लोग परिणाम बदलना चाहते हैं, राज्य को बदलने के लिए ज़्यादा लोग जोर नहीं लगाते हैं। राज्य बदल जाएगा, परिणाम बदल जाएगा। बोले राज्य बदल जाएगा, परिणाम बदल जाएगा, है ना। परिणाम बदलना है, इनपुट एंड आउटपुट। तो उसके लिए आज हम सीखने वाले हैं, क्या हुआ आपके लिए, मेरे लिए, और क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है।
अभी आप सीखेंगे अभी क्या हो सकता है मेरे जीवन में, तो उस दिशा में आप जाएंगे, सही दिशा को अपनाएंगे, जरूर सही परिणाम को पाएंगे। कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले आपके पास नक्शा होना चाहिए, है ना, पहुंचने के लिए। स्वप्न देखने से नहीं, यहाँ से मुझे चेन्नई जाना है, स्वप्न देखते रहूँगा चेन्नई जाऊँगा, ऐसे स्वर्गदूत मुझे ऐसे उठा के ले जाएगा, ऐसा होता नहीं। आपको नक्शा चाहिए, आपको एक मैप चाहिए, रोड मैप, जाने का एक रास्ता चाहिए, वाहन चाहिए, एक आपके अंदर में एक निर्णय चाहिए, मैं जाऊँगा। आज बीमारी से बाहर आना है, कर्जा से बाहर आना है, पापों से बाहर आना है, वो आपके लिए संभव है, वो उसके लिए परमेश्वर का रुकावट नहीं है, समझ रहे, परमेश्वर का रुकावट, परमेश्वर सब कुछ दे चुके हैं। आप उसके लिए क्या करना है ये कलीसिया में सीखो। या हम बोल रहे हैं हमको मृत्यु राज्य कर रहा था, लेकिन अभी परमेश्वर ऐसा कर दिए हैं हमारा जीवन में जीवन राज्य करेगा, जीवन राज्य करेगा, जीवन राज्य करेगा, वहाँ पर शांति, आनंद, प्रेम, एकता, संपन्नता, बढ़ोतरी, हर चीज़ में कटोकट नहीं है, बहुत ऐसे है कि नहीं, जीवन राज्य करेगा, आपके पास कटोकट नहीं रहेगा, बहुत ऐसे रहेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं पहले एक मनुष्य के द्वारा उसके अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, उसको राज्य किया, आदम पाप किया, तुरंत मृत्यु आ गया। मालूम है आपको, मृत्यु बाद में आया 930 वर्ष के बाद, लेकिन तुरंत मृत्यु तो आ गया। मृत्यु का हम लोग सोच रहे हैं इंसान के आत्मा से, शरीर आत्मा से निकल जाए वही मृत्यु है, वो तो है, लेकिन लोग जीते जी मरे हुए हैं। क्या है, जीते जी आप मरे हुए हैं। पौलुस लिख रहे हैं पापों में मरे हुए थे हम, पापों में मरे पड़े थे, तो मृत्यु राज्य किया एक आदमी के द्वारा, उस परिवार में आ गए हम लोग, मृत्यु राज्य करने वाला परिवार है। कुछ परिवार होते हैं मृत्यु उस परिवार में जबरदस्त राज्य करेगा। हमारा साथ वन जिसमें एक भाई थे, उसकी परिवार में 5-6 भाई थे, एक एक भाई क्या करेंगे, शादी करेंगे, शादी करके फर्स्ट नाइट में मर जाएंगे। समझ में आ गया क्या है, पहले बार कभी पत्नी से सेक्स करेंगे उसी रात को वो मर जाए, वैसे पांच मर गया, चटा था जो आदमी, वो भी शादी किया, सब लोग बोला भाई तुम शादी मत करना, मर जा, अरे बोला वो सब क्या है, वो भी शादी किया, वो भी उस परिवार में एक सामर्थ्य कार्य किया। ये सब देखो सच बात है, तो लेकिन वो सब ये वचन से जुड़ा हुआ है। वैसे एक एक परिवार में कुछ शैतान की ताकत कार्य कर रहा है, तो उसके लिए हमारा एक संबंध है, केवल माँ बाप से नहीं, दादा दादी से नहीं, नाना नानी से नहीं, हमारा पूर्वजों आदम से लेकर के हम ऐसे ही एक मृत्यु के राज्य में जन्म हुए हैं। उसने पाप किया, हम लोग भी पापी जन्म लिए, हम लोग भी पाप किए हैं, पाप करने के कारण मृत्यु हमारे जीवन में काम कर रहा है। पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप की परिणाम मृत्यु, मृत्यु राज्य किया आदम के अंदर, मृत्यु राज्य किया, तुरंत जाके छिपने लगा, तुरंत दोष लगाने लगा, तुरंत अपमान होने लगा, तुरंत अपने आप को नफरत करने लगा, तुरंत पत्नी को भी दोष लगाने लगा। पत्नी को दोष लगा रहे कौन सा राज्य है,
मृत्यु का राज्य नहीं तो जीवन के राज्य, बोलो जीवन के राज्य, मृत्यु का राज्य, उसके अंदर भी मृत्यु आ गई, वो भी पाप करके मृत्यु आ गई। तो मृत्यु राज्य करने से हमारा जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। देखो हमारा अंदर तीन भाग, ये तो बार बार हम बताते हैं, प्राण आत्मा शरीर है। मरा तो नहीं है, उसका शरीर तो मरा नहीं, आत्मा में मर गए, आत्मा से परमेश्वर से अलग हो गए। आत्मिक मृत्यु क्या मालूम है? नरक में भी लोग मरते नहीं मालूम है? नरक में लोग मरना चाहेंगे लेकिन मर नहीं पाएंगे। अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग रहना ही दूसरे मृत्यु है, वही मृत्यु है। परमेश्वर से ज्योति मिलता है, प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलता है, वो सब नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बोलो, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट सोच लो, क्या क्या इसके विपरीत वाला, वो सब मिलेगा नरक में। जाना है किसी को? मुझे तो जाना नहीं, मैं कैसे भी करके प्रभु जी मुझे स्वर्ग में जाना है कि नहीं? स्वर्ग में जाना ही मेन पॉइंट है। कलीसिया में आते हो, सबसे पहले आपको स्वर्ग में पहुंचाना है हमको, उसके बाद आपका आशीष के और भी लेके जाना। तो आत्मा में इंसान अलग हो गए, आत्मा में परमेश्वर से अलग होकर मृत्यु स्टार्ट हो गए, इसलिए अपमान होने लगा, इसलिए उनके अंदर में अशांत होने लगा, दोषित मन होने लगा, अपना आप को दोष लगा रहा है, तो अपना आप का नंगापन को महसूस कर रहा है, अपने गलती को महसूस कर रहा है, लेकिन इलाज नहीं समझ पा रहा है। कुछ लोग है गलती तो कर देते हैं, गिर तो जाते हैं, उठने के लिए आता नहीं है कि नहीं? गाड़ी बंद तो कर दिए स्टार्ट करने का नहीं तो कभी स्टार्ट कर देते, किसी को बंद करना नहीं आते ये भी होता है ना, खतरनाक चीज़ है। कोई भी स्टार्ट करने से पहले बंद करने के लिए आपको आना चाहिए, तभी स्टार्ट करना, ये प्रैक्टिकल टिप्स है, ठीक है? कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर इधर से निकालते हो, पहले नोट कर लेना कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, ऐसे निकाल देंगे बाद में हम जोड़ नहीं पाएंगे, ये सब अलग चीज़ है। तो बता रहा हूँ, इंसान के जीवन में आत्मा प्राण शरीर है, शरीर तो मरा नहीं लेकिन आत्मा मर गई, मर गई आत्मा, मर गया मतलब उसमें दोष लगा रहा है, उसमें अपमान आ गया, उसके अंदर निंदा, अपने आप से शैतान भी दोष लगा रहा है, एक दूसरे को दोष लगा रहे। अगर आपके परिवार में एक दूसरे को दोष लगा रहे हो, आपके परिवार में एक दूसरे को ऊपर आरोप लगा रहे, एक दूसरे को निंदा कर रहे, एक दूसरे से झगड़ रहे, मृत्यु राज्य कर रहा है। क्या राज्य कर रहा है? मृत्यु। वो केवल आपका ही कहानी नहीं, 6000 वर्ष की कहानी है, केवल आपके परिवार में नहीं, सब परिवार में ऐसे ही रहेगी, भले यूके भी हो, यूएसए में भी हो, बड़ा वेल डेवलप्ड कंट्रीज में भी यही राज्य कर रहा है। भले वो लोग ओलंपिक में 120 मेडल मारा होगा, उसमें भी अगर इंसान नया जन्म नहीं पाया, उसके अंदर मृत्यु राज्य करेगा। भले बड़ा साइंटिस्ट है, बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा धनवान है, उसके पास 15,000 करोड़ का मकान है बॉम्बे का बीच में, फिर भी मृत्यु राज्य करेगा। आदम का वंशावली में आए सभी के ऊपर मृत्यु राज्य करेगा, दिखेगा नहीं लेकिन आत्मा में है वो मृत्यु, आत्मा में होने के कारण मन को भी, मन में वो मृत्यु आ जाता है, मन उस ढंग से मृत्यु का विचार सोचने लगता है, मृत्यु का जैसे निर्णय लेता है, फिर मन के मुताबिक शरीर में भी प्रभाव पड़ता है। कहाँ से आया, स्टार्ट किया मृत्यु? आत्मा से आया, मन में प्रभाव डाला, फिर मन से शरीर में भी प्रभाव डाला। नीति वचन 14:30 बच्चों को क्लास में सिस्टर्स लोग लिए हैं,
उसमें लिख रहे हैं शांत मन तन का जीवन है, तन का जीवन है भाई, तन ये तन का जीवन चाहिए, वो कहाँ से आएगा? शांति मन से आएगा, मन में चंगाई आएगा। आपको शरीर में चंगाई चाहिए, मन में शांति चाहिए, है ना? मन में शांति, शरीर में चंगाई। बोले मन में शांति, शरीर में चंगाई। इसलिए देखो, किसी से लड़ाई झगड़ा कड़वावट रखना नहीं, खास करके वो लोग जिनके अंदर भूतों की प्रॉब्लम है पहले से। इधर आते हो कलीसिया में, आपके अंदर भूतों को हम भगा देते हैं, फिर आप अपने जीवन में सबके साथ मेल मिलाप से रहने के लिए प्रभु का मदद मांगो, माफ़ी मांग लो, माफ़ी दे दो, रिश्ता को सही करो। शांत मन तन का जीवन है, तन आरोग्यता से रहेगा, शरीर चंगाई से रहेगा। मन और शरीर में संबंध है, वैसे मन और आत्मा से भी संबंध है। तीन है, आत्मा मन और शरीर है। मन बीच में है, आत्मा एकदम अंदर है, शरीर एकदम बाहर है, मन उस दोनों का बीच में है। तो परमेश्वर का अनुग्रह है, आत्मा में कार्य करता है। जैसे आत्मा में मृत्यु आया, मन में आया, शरीर में आया, वैसे ही आत्मा में परमेश्वर जीवन देगा, जीवन दे दिया। जब आप नया जन्म पाते हो, कलीसिया में आते हो, आपके आत्मा में जीवन प्रवेश हो गया, 100% आ गया। परमेश्वर आपको आत्मा को जीवन दे दिया। आदम का जीवन, आदम के अंदर मृत्यु आया था आत्मा में, लेकिन जब आप नया जन्म पाते हो, आपके अंदर जीवन आ गया। वो जीवन को आपके मन में, शरीर में प्रकट कराने के लिए कलीसिया का मेहनत होती है। आत्मा में जो चीज़ें हकीकत है, वास्तविक है, उसको मन में लाना है, शरीर में लाना है, जीवन में लाना है। टाइम लगा कि नहीं मृत्यु शरीर में आने के लिए टाइम लगता है। काफ़ी साल लगा, लेकिन आखिर में आ ही गया। 930 के बाद आ गया। कैसे आया होगा? धीरे 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 वो कार्य किया। मृत्यु धीरे 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 उसके मन में, परिवार में कार्य करने लगा। नफरत की आत्मा सबसे पहले काइन में घुस गया, है कि नहीं? तो इसलिए देखो, ये कहानी बोल के हम बच नहीं सकते। आदम ने पाप किया, आदम के पाप से मृत्यु समा गई, यीशु के जीवन पाकर राज्य करे हम, है ना? वो तो है, लेकिन हमने भी पाप किया। आदम ने पाप किया, उसके रास्ता पे जाकर हम सभी ने पाप किया, इसलिए सबके ऊपर मृत्यु आ गया। सबके ऊपर मृत्यु आया, भले उस समय में नियम नहीं था। मालूम है, मूसा का नियम आने तक दुनिया में कोई रूल नहीं था, रूल बुक नहीं। मालूम है, कोई रूल बुक नहीं दिया गया, लोगों को मालूम नहीं है क्यों ऐसे हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं। रूल बुक आया, उसके पहले भी पाप किए, रूल बुक आने के बाद भी पाप किए, रूल बुक आने के बाद ज़्यादा ही पाप किए। मालूम है, रूल आने से पाप नहीं घटा, रूल आने से पाप जगा। बाइबल में लिखा है पाप जग गया। जो जो लोग पाप नहीं भी कर रहे थे, वो लोग भी करना शुरू कर दी। मालूम ही नहीं था ऐसे ऐसे पाप होते। इसलिए देखो, ज़्यादा पापों का हम बताते नहीं,
दुनिया में ऐसे ऐसे पाप हो रहा है, ज़्यादा हम बोलते रहेंगे, कुछ लोग ऐसे भी पाप कर सकते हैं क्या, चलो मैं भी कर लेता कोई पापों का जानकारी नहीं लेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो लोगों को पता चल गया ऐसे नहीं करना, वो लोग करने लगे। मृत्यु आया पापों के द्वारा, मृत्यु आया नियम आने के बाद भी, नियम आने से पहले भी पाप तो था लेकिन पापों का गिना नहीं गया था, क्योंकि लोगों के पास उसका गिनने का कोई तरीका नहीं था, मेशर करने का, माफ़ी करने का कोई उपाय रूल होने से उसको मेशर करते है कि नहीं। जैसा अभी 5 किलो है पाप, सपोज किलो ही नहीं है उस समय में, लीटर भी नहीं है, कितना लीटर पाप किया अभी बोल सकते, लेकिन अभी लीटर है किलो है उस समय में कुछ भी रूल नहीं है, कितना पाप है, बड़ा पाप छोटा पाप कुछ पता नहीं, लोगों को मालूम नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी बाइबल लिखा एक कॉन्शियंस दिया गया, फिर भी लोगों के अंदर एक विवेक मन लाल बत्ती, उसके हिसाब से लोग कर रहे थे नियम आने तक, वो भी परमेश्वर भलाई के लिए रखा है, ठीक है। तो मृत्यु राज्य किया एक मनुष्य के कारण, उसने पाप किया, हम लोग भी किए, मृत्यु का अंत में तो आ ही जाता है। असली मृत्यु क्या है, आप और परमेश्वर से अनंत काल की अलग हो जाना ही दूसरे मृत्यु बाइबल कहते हैं, अनंत काल की नरक वही है। तो वो इंसान की आत्मा में स्टार्ट हो गया, पहले से स्टार्ट हो गया, जब से पाप किया तब से स्टार्ट हो गए, मालूम है जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारे अंदर ये मृत्यु काम करना शुरू करते हैं, मृत्यु राज्य करते हैं। इसलिए बच्चा छोटा बच्चा है, थोड़ा बढ़ने के बाद भी धीरे धीरे वो मृत्यु बाहर आता है, जिद करते मोबाइल दो मुझे, हाँ भाई किसी ने स्टेटस में डाला छोटा बच्चा है 1 साल का भी नहीं होगी, मोबाइल दे नहीं दे रहा करके वो जिद कर रहा है, क्या कर रहा है, मृत्यु कार्य कर रहा है, मृत्यु कार्य कर रहा है। तो मृत्यु से कैसे बचेंगे, मृत्यु ऊपर राज्य कर रहेगा तो जीवन कैसे राज्य करेगा, जीवन में कैसे राज्य करेंगे, तो यही वचन है, अनुग्रह को पाना है, धर्म रूपी वरदान को पाना है। मेरे भाई बहन बच्चे लोग, अनुग्रह बहुतायत से मिलेगा, धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा, उसी में से जीवन मिलेगा, वो जीवन से राज्य कर सकते, वो जीवन राज्य करने से आपके लिए बहुतायत की जीवन, पर यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, बहुतायत की जीवन देने के लिए। अनुग्रह मिलना चाहिए, धर्म रूपी वरदान मिलना चाहिए, अनुग्रह बहुतायत से, बोले अनुग्रह बहुतायत से, धर्म रूपी वरदान बहुतायत से, हमको यीशु मसीह से मुफ्त में मिलता है। देखो यही रोमियो 5 के अंदर बहुत आशीष है, सारे आशीष को आगे पीछे काफ़ी चीज़ लिख रहे हैं, अगर घर पे आप पढ़ेंगे कभी अपना स्टडी किए होंगे, वहाँ परमेश्वर का प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, प्रभु कैसे आपको मेल मिलाप कर दिया बोल रहे हैं, ये सब चीज़ वहाँ पर आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है, स्टार्टिंग वचन ही है, परमेश्वर से हमारा कनेक्शन हो गए। मैंने बोला मृत्यु परमेश्वर से हमें क्या अलग कर दिया, जीवन क्या किया, परमेश्वर से हमें जोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मरा हुआ नहीं, जीवित परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आने से उससे हम जुड़ जाते हैं, जीवन प्रवेश होता है। विश्वास करो, अनुग्रह को पाओ, धर्म रूपी वरदान को पाओ। धर्म रूपी वरदान को मैं समझा देता हूँ, वरदान तोहफा गिफ्ट, गिफ्ट कैसे मिलते हैं, मुफ्त में मिलता है, गिफ्ट के लिए कोई पैसा नहीं देते हैं, कुछ चीज़ होते हैं प्राइस होते हैं, इनाम कमाते हैं। ओलंपिक में इंसान 6 फुट पार करके इनाम कमाया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इंडिया कितना लिया,
न्यूज़ तो देखा करो, 6 मॉडल है मेरे ख्याल में, एक भी गोल्ड नहीं है। पाकिस्तान वाला भी एक गोल्ड ले लिया, क्या करें। अमेरिका वाला 118 मॉडल लेके बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉडल पाना चाहिए, जीवन का तोहफा, जीवन का वरदान पाना है, धर्म रूपी वरदान। पैसा से नहीं, आपके परफॉर्मेंस से नहीं, वो तो परफॉर्म करने से मिलेगा, आपके कर्मों के आधार पर है। एक आदमी लांग भी दिया माले में, हाँ, उसका कपड़ा का एक भाग जरा से लग गया, आदमी फेल हो गया। एक लेडी 100 ग्राम ज़्यादा था, इसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए। वहाँ पर करार नियम है। फिर वो लोग अपील किया, बोला भाई 100 का मैं खोल दूंगा, फिर 200 का भी मांगेंगे लोग मेरे को, है कि नहीं। बोलेगा 200 थोड़ा मर्सी करो, कितना तक मर्सी करेंगे। वहाँ तो मर्सी नहीं होते, कानून लागू होते हैं। लेकिन अनुग्रह में विश्वास लागू होते हैं। क्या लागू होते हैं? विश्वास। आपके विश्वास की ज़रूरी है। आप विश्वास करोगे, मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मरे में से जी उठा, इस बातों को मैं विश्वास कर रहा हूँ, इस विश्वास के कारण मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। कैसे धर्मी ठहराया गया? यीशु मसीह को मरे में से जिला या पिता परमेश्वर ने, इस बातों को मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, धर्मी ठहराया गया हूँ। यही धर्म रूपी वरदान है, धार्मिकता गिना गया। मेरा अंदर धार्मिकता नहीं है, यीशु मसीह का धार्मिकता मुझ पर डाला गया, मेरे खाता में आ गया। अनुग्रह मिला तो अनुग्रह के साथ ही साथ धर्म रूपी वरदान। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, यीशु मसीह में आकर के धर्मी बनाने के लिए अपना कोशिश में लगने से नहीं, भाई छोड़ना तो पड़ेगा, दारू छोड़ना, ये छोड़ना, छोड़ना ही है। लेकिन वो उल्टा पकड़ने का नहीं है ना, दारू छोड़ेगा तभी ताकत आएगा, ऐसा नहीं। ताकत आएगा तभी तुम जा दारू छोड़ोगे, ताकत आएगा, अनुग्रह का ताकत आएगा। अनुग्रह धर्म रूपी वरदान देता है, मुफ्त में धर्मी ठहराता है। यही सुसमाचार का मेन सच्चाई है। इसको समझाने के लिए भले 1 घंटा लगेगा, समझाते ही मैं छोड़ूंगा। धार्मिकता गिना गया मतलब डाल दिए गए। आपने धार्मिकता के काम एक भी नहीं किया, तभी यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके धार्मिकता के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह का मृत्यु पुनरुत्थान को विश्वास करने के कारण धर्मी गिना गया। धर्म रूपी वरदान फ्री में देता है, फ्री में, तो तोहफा है, इनाम नहीं है। इनाम, इनाम और तोहफा में फर्क क्या है, बोलो, चलो माँ। इनाम मिलते हैं मालूम है, इनाम, इनाम मेहनत करके लेने पड़े। जैसे मैंने बोला ना, 6 फुट लॉन्ग करके, कानून के हिसाब से ज़रा से भी पोल गिरने का नहीं। प्राइस बोलते हैं, प्राइस, फर्स्ट प्राइस लेते हैं स्कूल में, कॉलेज में, है कि नहीं। रात दिन रटन मार मार कर, रटन मारते हैं कुछ लोग, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे रटन मारते हैं, तभी जाके 95 लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, हमने नहीं किए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का मृत्यु में मेरे लिए बड़ा परिवर्तन आया। उस रहस्य, स्वर्ग राज्य के रहस्य है, मिस्टरीज। विश्वास से धर्मी गिना गया, ये एक चीज समझ के जाना, मैं धर्मी बन गया कि नहीं, बोलो भाई। ये तो इतना धीरे से जवाब आ रहा है, आधा घंटा मेरा प्रचार सब अंदर जा रहा है कि नहीं, मुझे पता जा रहा होगा। हिम्मत नहीं आ रहा है, मैं धर्मी बन गया हूँ। आप नहीं बना पाते कभी भी धर्मी, 1000 जन्म लेंगे तो भी कभी भी आप धर्मी
नहीं बना पाएंगे। हम लोग सब कचरा भरते रहते मालूम है, कचरा के ऊपर कचरा। सबसे पहले आदम जी आए, आदम का हड्डी से हवा जी आए, दोनों मिलकर के कुआ के अंदर कचरा फेंकते गए, दोनों फेंकते गए, उसका बच्चा लोग वो भी फेंकते गए, उसके बाद बच्चों के बच्चे सब लोग उस कुआ में क्या फेंक रहे हैं, पाप को फेंकते जा रहे हैं। हम भी फेंक रहे हैं, आगे हमारा अगर प्रभु के आगमन देरी हो, आगे आने वाला भी उसमें फेंकते चला फेंकते रहेंगे। अभी कितना कचरा भरा हुआ वो कुआ में, सोचो तो सही। हाँ एवलो अंद किणत्तुल एदा पण मुडियुमा अदुक्कु, लेकिन मालूम है हमारा हीरो जी आए यीशु मसीह, एकदम अपना लहू बहाए, उसके लहू से सब पाप धुल गए। मालूम है कितना भी कचरा आदम ने डाला, हव्वा ने डाला, काइन ने डाला, सब लोग डाला, अभी भी डाल रहे हैं, आगे भी डालेंगे। पास्ट सिन, प्रेजेंट सिन, फ्यूचर सिन्स, भूतकाल का पाप, वर्तमान का पाप, भविष्य का पाप। बोले भूतकाल का पाप, वर्तमान का पाप, भविष्य का पाप। केवल आपका ही नहीं, पूरे संसार का। यही मैं इस वचन को प्रचार करने के लिए मैं एग्जाम्पल ढूंढ रहा था। देखो एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, वचन ज़्यादा भी नहीं बोलो, एक दो वचन भी एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, अच्छी तरह बैठ जाए। यीशु मसीह भी एग्जाम्पल्स देते थे, इसलिए छोटा छोटा एग्जाम्पल। तो ये पवित्र आत्मा मुझे ये उदाहरण दिया। देखो ये आपको लगेगा कहाँ हो रहा है पास्टर जी, कैसे इतना बोल रहे, सब हट गया, लोग तो पाप तो कर रहे हैं। बाइबल से ही बता रहा हूँ, दूसरा कुरिन्थी 5 में पढ़ोगे है ना, वहाँ लिख रहे हैं परमेश्वर ने क्या कर दिया यीशु मसीह में, सारे जगत को अपने साथ क्या कर दिया, मेल मिलाप कर दिया। 18-19 दूसरा कुरिन्थी 5:18-19 दोनों पढ़ना। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से ये चीज हुआ, जिसने मसीह के द्वारा, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमारा देखो कलीसिया का मेल मिलाप करा, इतना ही नहीं मेल मिलाप कराया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हमें पास मेल मिलाप की सेवा दिए हैं, क्या दिए हैं मेरे बच्चे लोग, आपके पास मेरे पास मेल मिलाप की सेवा है। वो सेवा क्या बोल रहे आगे, अर्थात परमेश्वर ने, परमेश्वर ने मसीह में होकर, मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, उन पर नहीं लगाया। देखो सब कचरा है कुआ में भरा पड़ा है, पीढ़ी से पीढ़ी तक लोग भरते जा रहे हैं, अभी भी भर रहे, आगे भी भरेंगे, लेकिन परमेश्वर उस सबको गिना नहीं, सबको यीशु के लहू में सबको धो दिए, माफ कर दिए, अपने साथ मेल मिला। परमेश्वर की तरफ से सबके लिए माफी, सबके लिए छुटकारा, सबके लिए आशीष, सबके लिए, सभी के लिए हमारे लिए दिया, दूसरों को भी देने के लिए परमेश्वर तैयार है। कलीसिया वालों को ही नहीं, दूसरे लोगों को भी परमेश्वर देना चाहते हैं, यही कलीसिया का संदेश है। कोई दूसरा हमारा नफरत, हमारा विरोधी नहीं है, वो लोगों के लिए भी ये बनाया हुआ है। यीशु मसीह के बलिदान, उनके उनके कुर्बान हुआ, उसके लहू से सब कचरा तेरे पाप धुल सकेंगे आज मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नज़र उठाकर देख ले लहू की धारा। तो एक ही व्यक्ति के लहू बहाने से इतने करोड़ करोड़ लोगों की भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य के पापों का कुआ पूरा साफ हो गया। थियोरेटिकली कैसे है ये, थियोरेटिक पॉसिबल है, संभावना है, अगर सब लोग विश्वास करेंगे सब लोग शुद्ध हो सकते, सबका पापों की बोझ हट सकते हैं। पाप हटने के बाद हल्का महसूस करोगे, मृत्यु राज्य नहीं करेगा, जीवन राज्य करेगा।
जीवन राज्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गए। यहीं पर यह वचन बार बार हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थ 5:19 द्वारा पढ़ो, 20 भी पढ़ो, 21 भी पढ़ो। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, संसार का भी कर दिया, सभी को कर दिया, उनके साथ मेल मिलाप कर दिया आगे, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप के वचन, अभी देखो यही इश्यू यही है, परमेश्वर के तरफ से सबके लिए आशीष का चेक है, सबके लिए आशीष का सोता है, सबके लिए है, इवन अमास लीडर के लिए भी है, माले में जिसको पकड़ने के लिए लोग पड़े हुए हैं, है ना, लेकिन उनके लिए भी यीशु मसीह लहू बहाया। हिटलर जो मर गया नरक चला गया, उसके लिए भी यीशु मसीह लहू बहाया। सब लोग जितने भी है, सबके पापों को धो देने के लिए ताकत था यीशु मसीह के लहू में। लेकिन एक ही चीज़ है, जो वचन यहाँ पर ही ट्विस्ट है, यहाँ पर उसका सीक्रेट है, क्यों सबके ऊपर लागू नहीं होते हैं, वो आगे वचन में बोल रहे हैं, मेल मिलाप का संदेश हमें दिया। आगे बढ़ना, क्या पढ़ा, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। मृत्यु राज्य कर रहा है मेरे भाई आपके आत्मा में, जीवन राज्य करने के लिए जीवन के साथ जुड़ जाओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, मेल मिलाप हो जाओ। धार्मिकता होकर मेल मिलाप नहीं होते, मेल मिलाप होके धार्मिकता होते, समझ में आ गए। मैं कभी भी धर्मी बनकर मेल मिलाप होंगे ऐसा सोचते रहूंगा, जिंदगी भर मैं उससे जोड़ नहीं पाऊंगा। 50 साल होने जा रहा है मेरे मसीही जीवन, अभी भी मेरा मन कभी कभी मुझे दोष लगता है, लगेगा, आपको भी लगा सकते। देखो कभी कभी दोष लगाना भी पाप नहीं, कभी हमारा अंदर कोई महसूस होते हैं हमारा जीवन को सही करने के लिए, वो तो, लेकिन उसमें डूबना नहीं। परमेश्वर हमारा पापों को माफ़ किया, मसीह में माफ़ किया, और उसने मेल मिलाप की सेवा को दिए, मेल मिलाप की सेवा को दे करके लोगों को धर्मी बनाते, परमेश्वर से जोड़ने का काम कलीसिया कर रहा है। परमेश्वर से जोड़ने के लिए आपसे कोई कुबियतम नहीं मांग रहे हैं, आपसे केवल नम्रता और विश्वास मांग रहे हैं। नम्रता और विश्वास के साथ आ जाओ, परमेश्वर से जुड़ जाओ, परमेश्वर से जुड़ जाएंगे उसका जीवन आप में आ जाएगा, धर्मी गिना जाएगा, आपके अंदर आत्मा एकदम मसीह के जैसे एकदम परफेक्ट बन जाएगा। भले आपको दिखेगा नहीं, शरीर में दिखेगा नहीं, मन बदलावट नहीं दिखेगा, लेकिन मन में परिवर्तन धीरे धीरे वचन जानने के बाद आने लगेगा। मन परिवर्तन होने से शरीर में दिखेगा, जैसे हम वचन पढ़ा, शांत मन तन का जीवन, पढ़ाए कि नहीं, नीति वचन 14:30 में हम पढ़े थे। तो शरीर में बदलावट लाने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा आत्मा में, है ना। कुछ सिस्टम्स होते हैं, हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी, टेक्निकल है ये, लेकिन मुझे बताना अच्छा रहेगा, कुछ टेक्निकल लोग भी है, दूसरे नॉन टेक्निकल भी आप लोग भी समझ सकते हैं, है ना। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल हो, हाइड्रोलिक हो, कोई भी है, हम लोग पढ़ते थे कंट्रोल सिस्टम करके एक हमारा इनका भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, कुछ भी हो तो कंट्रोल सिस्टम, उसमें इनपुट होगे, आउटपुट होगे, है ना। इनपुट में बड़े करंट हो रहा होगा, नहीं तो एयर जा रहा होगा, पानी जा रहा होगा, कुछ भी जा रहा होगा, बीच में एक रेगुलेटर वाल्व रहता है। क्या रहता है? रेगुलेटर वाल्व। वो वाल्व क्या कर रहा है, वाल्व हो, स्विच हो, जो भी है, जो बनाए हुए हैं, कुछ बनाते हैं, सोलेनॉइड वाल्व भी बोलते हैं, सोलेनॉइड वाल्व होते हैं ना, तो वो वाल्व कैसे काम करता है,
इसका आउटपुट में जो जा रहा है, यहाँ से आ रहा है आउटपुट, आउटपुट से एक लूप, फीडबैक लूप लेंगे, मालूम है, ले करके उसमें उस रेगुलेटर में दे देंगे। रेगुलेटर हमेशा सेंस करता रहेगा आउटपुट कितना है। आउटपुट में अगर 6 kg प्रेशर चाहिए, सपोज यहाँ पर 10 आएगा, इनलेट में 10 आ रहा है, रेगुलेटर क्या करेगा, थोड़ा उसको दबा के 6 kg में कंटिन्यूस होता रहेगा। दैट इज अ परपेचुअल कंटिन्यूस काम है। थोड़ा टेक्निकल चीज़ है ये, कंट्रोल सिस्टम में, हर कंट्रोल सिस्टम में ये होगी, हाइड्रोलिक भी हो, इलेक्ट्रॉनिक भी हो, इलेक्ट्रिकल भी हो, कुछ भी हो, जो कंट्रोल करने वाला जो चीज़ है उसके लिए फीडबैक लूप एक वापस आउटपुट से आना चाहिए। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, आपका जीवन की परिणाम को है ना, उस परिणाम को लेकर के रोने से फायदा नहीं, उसके अनुसार आपका जीवन का मन है, मन इस सट कंट्रोल बीच में, यहाँ से आत्मा है, आत्मा से आ रहा है सारे आशीष जो भी आएगा आपके अंदर, मन का मेन चीज़ है, वहाँ पर आपका आशीष नहीं हो रहा है, आउटपुट में आशीष नहीं है, तो वहाँ से आशीष नहीं है, रोने से नहीं, वहाँ से आकर के मन के दरवाजा को खोलना चाहिए आपको। मन जितना खोलोगे उतना आशीष मिलेगा। यीशु जी बोलते हैं जैसा बीज बोएंगे वैसे कटने काटेंगे। तो आउटपुट के अनुसार, आउटपुट को मन में रखते हुए है ना, इनपुट को दोष मत लगाना, परमेश्वर चंगाई नहीं दिए, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दिए, नहीं, विश्वास की चाबी लो, खोलो, बहुतायत से मिलेगा, ज़्यादा ले सकते हो, लेने में कोई अर्जा नहीं, जितना कैपेसिटी है कि नहीं, आपका जितना कैपेसिटी है, प्रभु जी बोलते खिड़की खोल कर ऐसा दे दूंगा रखने का जगह नहीं होगी। मैंने बोला नाव भी डूब गए, जाल भी फटने लगे, ऐसे आशीष परमेश्वर से मिला है। लेकिन बात क्या था, जब 0 मछली मिला, यीशु जी आए, भाई 0 मछली आउटपुट, इधर जाओ, विश्वास की जाल डालो, फीडबैक जा रहा है, जाकर के विश्वास की चाबी को लोग खोल रहे हैं, जैसा प्रभु बोलते हैं गहराई में जाके डालो, कहाँ जाके डालना है, गहराई में, थोड़ा एक्स्ट्रा जाओ, एक्स्ट्रा जाओ, आत्मिक जीवन में एक्स्ट्रा जाने का टाइम है। आउटपुट खराब लग रहा, आउटपुट कम लग रहा है, परिणाम गलत है, इनपुट में दोष मत लगाओ, आपके कंट्रोल सिस्टम को सही करो, प्रार्थना को चालू करो, विश्वास को चालू करो, आपके अंदर ही आशीष का सोता है। बॉटल देख रहे हो, बॉटल का महत्व है उसके अंदर का चीज़ों से होते हैं। लोग तो बाहर देखेंगे, अरे बुढ़ा आदमी, ये ऐसे काला आदमी, ऐसे गोरा आदमी, ऐसे नाटा आदमी, मोटा आदमी, अलग अलग बोलेंगे, नाटा भी है, मोटा भी है, काला भी, गोरा भी है, बॉटल के अंदर के चीज़ों से फर्क पड़ता है, बॉटल का कीमत, आपकी बॉटल में सही चीज़ रखने का, यही चीज़ जीवन राज्य करें, धार्मिकता राज्य करें। बाहर के जीवन में, आपका जीवन में परिणाम में नहीं दिख रहा है, सही करो कुछ चीज़ों को, बाटला में ज्ञान भरो, वचन भरो, रोमियो 5:17 को मनन करो, जैसे जैसे वचन, नीति वचन 14:30 को मनन करो, फीडबैक लो, भाई आउटपुट गलत है तो इनपुट ज़रूर सही होगी, लेकिन आपका परिणाम आपका कंट्रोल में प्रॉब्लम है। बाइबल में लिखा है आलसी का बहीचा को देखो, मैंने गया था, ज्ञानवान बोल रहे, मैं गया था आलसी के बहीचा को देखा, कैसा रहा, हरा भरा था, लोग कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, लोग सोच रहे हैं,
अभी एग्जांपल दे रहा, यहाँ पर हम रास्ते में हमारा घर जाते हो, लेफ्ट साइड में एक शेल पेट्रोल पंप है, देखा आपने? जब पहले पहले शुरू किए थे इतना चकाचक लाइट लगाए थे, सबके लिए तेल भरते थे और साफ भी करके देते थे गाड़ी, बोलते ये सर्विस वो सर्विस। अभी क्या हो गया पता नहीं, अभी जाके देखो कि कैसे रह रहा है। केवल बंद पड़ा ये नहीं, एकदम गंदा, कांटों से भरे हुए हैं, कचरा है, पूरा कंट्रोल सिस्टम ही खराब, कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे आपका जीवन को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं वचन से, आउटपुट को, आपके जीवन की परिणाम को बदलने का ताकत वचन में है। ऐसे वचन हम दे रहे हैं जिसमें से आप अपना जीवन को सही नियंत्रण में लाओगे, आशीष के वारिस बन जाओगे। आशीष आपके अंदर से बाहर आना चाहिए, आपके अंदर सबसे पहले उसका विश्वास चाहिए। अब ये बिल्डिंग देख रहे हो, सबसे पहले ये बिल्डिंग कहाँ था मालूम है? सबसे पहले हम लोग का मन में परमेश्वर डाला, मन में आके ऐसे ही नहीं आ गया, उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे बात बनेगी। एक एक आशीष के लिए परमेश्वर की तरीका है, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में धर्मी गिना गया, यीशु मसीह में जीवन कार्य कर रहा। परिणाम गलत है तो ज़रूर आप उसको, एक तो गलत इनपुट ले रहे होंगे, नहीं तो सही इनपुट को भी वचन को भी बराबर रेगुलेट नहीं कर रहे हो। बराबर रेगुलेट करो, फीडबैक तो लो। कुछ लोग फीडबैक लेना नहीं चाहेंगे, कुछ लोग फीडबैक लेने के लिए चाहेंगे नहीं, रिपोर्ट कार्ड देखना नहीं चाहेंगे। हम लोग पढ़ने का समय में हमारा कॉलेज से रिपोर्ट कार्ड जाएगा पापा के पास, अभी का सिस्टम आई कि नहीं मुझे पता नहीं, आता है रिपोर्ट मम्मी के पास? ऑनलाइन कहाँ देखेंगे? मम्मी को मालूम होना चाहिए, ऑनलाइन देखने के लिए देख सकते, देख लो ऑनलाइन देख लो, है ना, देखना चाहिए मैं बता। तो पापा डांटेगा भाई, रिपोर्ट जाएगा ना, लास्ट सेमेस्टर में 275 लिए थे, अभी क्यों 73 हो गए? उसके लिए डांट पड़ेगी। पापा के पास जाएगा रिपोर्ट कार्ड, है ना। अभी परमेश्वर किसी को रिपोर्ट कार्ड, आपका रिपोर्ट कार्ड मुझे नहीं भेजेंगे, आपको ही भेजेंगे। देखना उसके हिसाब से कौन सा इलाका में आपका जीवन कार्य नहीं कर रहा है, कौन सा इलाका में मृत्यु कार्य कर रहा है, सफलता नहीं है, पापों के ऊपर जय नहीं है। आत्मा में तो है, परमेश्वर तो दे दिए है, अंदर आत्मा में दिए हैं शांति, चंगाई, आनंद, सब दिए हुए हैं, सबका सोता दे दिए हैं। उस सोता से उमंडते रहेगा। हम लोग वचन पढ़ते हैं, गाना भी बनाए, यशायाह का 12 अध्याय में बोलते हैं, उद्धार की स्रोत से क्या करोगे, पानी आते रहेगा। उद्धार का स्रोत मसीह मुझ में जीवित है, उद्धार का स्रोत मसीह मुझ में जीवित है, पवित्र आत्मा बहता मेरे अंदर से, पवित्र आत्मा बहता मेरे अंदर से, आशीष की नदी व पवित्र नदी वो बहती रहेगी मेरे जीवन से, बहती रहेगी मेरी कलशिया से, बहती रहेगी मेरे देश में, बहती रहे जीवन जल देता यीशु। यशायाह का 12 अध्याय 3 वचन, तीसरा वचन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। यशायाह 12:3, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से, आनंद पूर्वक मतलब क्या, बहुत इजी से, आसानी से, है ना। कुछ जगह पे देखो पंप में पानी, गांव में बोर वाटर होते हैं कि नहीं, नीचे पानी रहता है, आप क्या करेगा, चक 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 मारते रहेगा, आएगा नहीं,
फिर लोग खोलेंगे, वॉशर खराब हो गए वॉशर बदलेंगे, फिर कुछ जगह में देखें उन लोग पानी भी डालनी पड़ती है पहले, है ना। पानी एकदम नीचे है, पानी डाल डाल के हर बार स्टार्ट करनी पड़ेगी। यही इंसान का खुद का प्रयास। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं परमेश्वर आनंद पूर्वक क्या करेंगे आगे, आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से। सोता है, ये तो सोता है, इसमें तो क्या है, पानी जमकर आएगा, जबरदस्त आएगा। पवित्र आत्मा से आपको आशीष मिल रहा है, प्रेशर के साथ आएगा, जैसे हमारा ONGC का वेल्स में आता है पानी तेल, है ना, प्रेशर के साथ, केवल रेगुलेट करना पड़ता। तो यहाँ से आनंद पूर्वक उद्धार की श्रोता से आगे जल भरोगे। जल भरोगे आनंद से, जल भरना मतलब एक श्रोता को जरूरी है उद्धार, जरूरी है उद्धार। यीशु मसीह के द्वारा इंसान के लिए सबसे पहले उद्धार जरूरी है, उद्धार। उद्धार नहीं, उद्धार फर्क है। लोग उद्धार मांगते हैं, उधार मत मांगा, उधार मत दो, है ना। परमेश्वर का वचन कहता तुम कर्जा नहीं लोगे, कर्जा दोगे, लेकिन उद्धार का आशीष मिलेगा, परमेश्वर से मेल मिलाप होगी, धार्मिकता गिना जाएंगे, उद्धार पाओगे। उद्धार पाएगा तो जीवन कार्य करेगा, आत्मा में कार्य करेगा, इतना मन में उसको लेकर आएगा, वो शरीर में कार्य करेगा। उद्धार एक ही स्रोत है, सारे आशीष का स्रोत है। उद्धार पाकर बपतिस्मा ले लिए, प्रभु के परिवार में आ गए, आपके लिए हर चीज़ चालू हो जाएगा, हर चीज़ चालू हो जाएगा। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, जहाज का टिकट लिए, उसमें सब चीज़ उसमें शामिल है, इंक्लूडेड है, खाना भी उसमें, सब चीज़। उद्धार में आ गया तो उद्धार के साथ साथ चंगाई, आशीष, परिपूर्ण जीवन, बहुतायत की जीवन परमेश्वर दे रहे हैं। लेकिन है, उपलब्ध है करके जान लो, जान लो उसके लिए क्या रेगुलेशन करना है, कैसे चीज़ को मुझे भरना है, हाँ, कौन सा ढक्कन लगाना है। ढक्कन खुला रखोगे शैतान अपना माल डाल के चला जाएगा। आपका वैल्यू है, आपके अंदर का विचार, समझ रहे, मन का विचार आपको ग्रेट व्यक्ति बनाएगा। देखो, किताब पढ़ने में एक फ़ायदा, मैं बता रहा हूँ, किताब पढ़ो, कुछ अच्छे किताब, अच्छे लोगों की किताब। सपोज़ अच्छे बड़ा महान व्यक्ति है, उसके किताब आप पढ़ते हैं, वो उस महान व्यक्ति से संपर्क करके उससे सीखने वाला चीज़, आइडियाज़ उस किताब में मिलेगा, है कि नहीं। तो उस ग्रेट आइडियाज़ को समझ लेंगे, आप भी महान बन जाओगे। इसलिए बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो बोलते, सबसे पहले बाइबल पढ़ो, महान किताब है, सबसे महान किताब वही है दुनिया में, परमेश्वर का किताब है, परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं। ये सारे जीवन का खासियत है, जीवन की कुंजियां हैं, जीवन की रहस्य की बातें हैं, बाइबल में छिपा हुआ है। मेरे पास टाइम नहीं रहता, काफ़ी सारे चीज़ मैं बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको उद्धार के अनुभव चाहिए, सबसे पहले आपके मन आपको दोष नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहले आप धार्मिकता को महसूस करना चाहिए। मैं पापी था, अभी मैं बच गया, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप धुल गया, मैं परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप हो गया। यहीं से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है सारे आशीष का, सारे आशीष का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। आगे चंगाई पाने से आशीष स्टार्ट नहीं हो गया, आप चंगाई पाते हो। सपोज मेरे विश्वास से आप चंगाई पा लिए, अच्छी बात है, मैं सबको चंगाई करने के लिए मैं तो चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे विश्वास से आप चंगाई पाकर चले गए, लेकिन वो आशीष का सोता नहीं खोला है। मेरा आशीष का सोता खोल गया, वो बहते हुए आपको चंगाई दे दिया, लेकिन आपके अंदर आशीष के सोता को रखने के लिए उद्धार का श्रोता को आपके अंदर रखना चाहते हैं परमेश्वर। धर्म में गिनना चाहते, मेल मिलाप करना चाहते, यीशु मसीह के द्वारा, एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा परिणाम बदल जा रहा है, परिणाम बदल जा रहा है। अनुग्रह का वरदान, अनुग्रह का परिणाम,
पाप के परिणाम से बहुत बड़ा है। पाप के परिणाम आपके अंदर मृत्यु लेकर आ गया, लेकिन अनुग्रह के परिणाम आपके अंदर जीवन, अनंत जीवन लेकर आ गया। जीवन में राज्य करने लगा, बहुतायत से राज्य किया, सामर्थ्य से राज्य किया, अनुग्रह। पाप जितना बढ़ते गए, अनुग्रह भी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते गए। पाप की ताकत कम है माले में, अनुग्रह ताकत बड़ा है। यीशु मसीह के अनंत जीवन, यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन, लहू के द्वारा पाप की क्षमा, परमेश्वर से मेल मिलाप, शांतिमय जीवन परमेश्वर आज देना चाहते। और जितने भी लोगों के जीवन में ये बातों को क्लैरिटी नहीं है, भले बेसिक्स लग रहा है, बार बार यही हमको बताना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में चले जाते हो, पाप में उलझे हुए रहते हो, मन दोष लगाने लगते हैं, फिर आपके अंदर परमेश्वर के ऊपर प्रेम नहीं आ रहा है, कलीसिया आने के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सुबह उठ के वचन पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सुबह उठकर 5 मिनट भी प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रहा है, मृत्यु राज्य कर रहा है। कोई बच्चा को सुबह उठकर आधा घंटा भी वचन नहीं पढ़ रहा है, आधा घंटा भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, मृत्यु राज्य कर रहा है। क्लियर कट है, पूरा दिन सफलता कहाँ आएगा? जीवन राज्य करेगा अपने आप से, आपके अंदर जीवन राज्य करेगा, आपके अंदर परमेश्वर राज्य करेगा, आपके अंदर जीवन राज्य करेगा, आपके लिए परमेश्वर के ऊपर प्रेम अपना आप से मंडते आएगा। नेसिक सिरंदोर और पाठ उन्नल वासिक सिरंदोर पुत्तगम कंडेन नेसित्तु वासित्तु पाडि मगिळ्वेन நெசரின் அன்பை நான் உலகெங்கும் சொல்வேன். பாடுகிறேன் நான் பாடுகிறேன் ஏசன்னை நேசித்ததால். கிதாப் மே கானா ஐசே போல் ரே படனே கிளே ஐசா ஏ கிதாப் முஜே மில் கயா ஹே உஸ் கிதாப் சே மேரா பியார் ஹோ கயே ஹே படத்தே ஜாவும் உஸ்கே அந்தர் ஜித்னே லோகோ கோ மஹான் பனாயா உஸ் சாரே ஐடியா உஸ் கிதாப் மே ஹே. தாவூத் கே சமான் மே பன் சக்தா ஹூம், आप बन सकते हो। एक ही बहन मुंडी ला रहे, बाकी सब चुप रह रहे हैं, या ना? हाँ ना, सकते हैं। उसी का आइडिया देखो, आइडिया आइडिया बाइबल में है और बाइबल रिलेटेड किताब में भी है, कुछ किताब भी है क्वालिटी बुक्स, उसमें पढ़ोगे आइडिया मिलेगा, उसका रहस्य बात मिलेगी। मुझे ऐसा बनाया तो कुछ लोगों से मेरा संपर्क नहीं हुआ माले में, कुछ महान प्रभु के दास लोगों से डायरेक्ट मैं एंड्रोमक से जाके बैठ के मैं चाय नहीं पी सकता, लेकिन एंड्रोमक का किताब पढ़ के उसका आइडियाज़ को मैं मेरे जीवन में लागू करके मैं बन सकता हूँ उसके जैसे। कभी कभी उनसे भी बढ़ कर भी इंसान बन जाते हैं माले में, किसी का किताब पढ़ के उनका आइडिया भी लगाते हैं और भी अपना आइडिया भी लगा कर उनसे भी ज़्यादा लोग आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के जीवन कार्य करेगा, पता चलेगा, आपके अंदर प्रेम आएगा, कलीसिया दौड़ कर आओगे, प्रेम से आराधना करोगे। आराधना को रोकने के लिए हमको कष्ट होगी, लोग करते रहेंगे। जीवन कार्य करेगा, मेल मिलाप, धार्मिकता के महसूस, परमेश्वर के साथ फ्रेश संबंध, बोलिए ताज़ा रिश्ता, ताज़ा रिश्ता, ताज़ा रिश्ता। सोचो, मैं बोला ना फीडबैक लो, ताज़ा रिश्ता है, नहीं तो इधर आओ, कम बैक टू द कंट्रोल सिस्टम। ताज़ा रिश्ता क्यों नहीं? कुछ पापों की दोष लगा रहा है, कुछ पाप दोबारा है, धार्मिकता की महसूस नहीं है। धर्मी जन की राह अधिक अधिक चमकती है, सूरज के ज्योति समान जो बढ़ता है दोपहर तक। आपके मार्ग अधिक अधिक चमक रहा है, क्वेश्चन, दैट इज आउटपुट। नहीं चमक रहा है, कम बैक,
कंट्रोल सिस्टम फीडबैक लो भाई, अपने लिए करो ना भाई, मैं आपके आके चेकिंग नहीं करूँगा, बाइबल पढ़ा या पढ़ा नहीं। आपके मार्ग अधिक अधिक चमकना चाहिए, आज जितना बलवान है कल इससे ज़्यादा बलवान होना चाहिए। बाइबल में लिखा है आपके ताकत आपके उम्र के जैसे होंगी। अभी प्रभु के अनुग्रह से 65 है ना, अभी अगले हफ्ता में मंडे संडे तो 18 है, तो 65 है तो ये 25 है, सपोज किसका ज़्यादा ताकत होना चाहिए। शरीर में तो हो रहेगा मेरे से, आत्मा में ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, यही स्टैंडर्ड है। इस ढंग से सोचो, मैं घर में बड़ा आदमी है तो मेरे अंदर दूसरे से ज़्यादा अन्ना लोग तंबी लोगों से ज़्यादा होना, अक्का लोग तंबी लोगों से ज़्यादा होना, தங்கச்சி தம்பி தம்பி அவளுக்கு தம்பி தானே இருக்கான், தங்கச்சி உனக்கு தங்கச்சி இருந்தானா அவளை விட நீ என்ன பண்ணும். ஆகே தேகோ கபி மேன் நய ஷாதி ஹோகே தே மேன் தோடா மேரோ ஹமேஷா லோக் போல்தே ஆப் அப்னா பத்னி சே நாட்டா ஹை கியா லோக் போல்தே நாட்டா நீ தா எக்ஜம் கட்டோ கட்ட தோடா வோ தோடா பஹுத் பத்லி தி இஸ்லே தோடா லம்பி திக் தோ பவித்ர ஆத்மா மேரோ போலா டோன்ட் வரி ஆப் உன்சே ஆத்மிக்தா மே ज्ञान में पवित्रता में प्रार्थना में उससे आगे रहो, हमेशा आगे रहोगे, उससे चिंता मत करो। थोड़ा से है इतना 1 सेंटीमीटर में लंबाई है, चाहे तो मेजर करके देख लेना। कुछ लोग नाटा वाला भी शादी तो करके आनंद से रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हस्बैंड है वाइफ से हाइट से भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन विश्वास में ज़्यादा रहो, प्रेम में ज़्यादा रहो, मजबूत रहो, मजबूत रहो। कलीसिया को परिवार को लेके जैसे जाओगे वैसे आगे परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देंगे। इस ढंग से मेरे अंदर विचार कैसे आया, विचार कैसे आए, एक नोबल थॉट कैसे आता है मालूम है? कुछ लोगों के भाषण सुननी पड़ेगी, कुछ लोगों की वचन, कुछ लोगों की जीवन से, है ना। एक आदमी का मैं पढ़ रहा था, ऐसे नोबल आइडिया आपको ग्रेट बनाएगा मालूम है। एक डेव मेयर करके एक आदमी है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे ऐसे एक लड़की चाहिए जिसके लिए मेरी ज़रूरत है, विश्वासी चाहिए लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम वाली। ऐसा प्रार्थना मत करो अगर आपके पास ताकत नहीं तो फंस जाओगे, है ना। उसके अंदर इतना ताकत दा, ऐसे प्रभु ऐसी लड़की दीजिए जिसके जीवन में गड़बड़ है, भले विश्वासी है लेकिन गड़बड़ है। ऐसे मांगा प्रभु ने, मन मांगा वरदान प्रभु ने दे दिया, लेने के बाद सोचा अरे पछताए, अरे मैंने गलत मांग लिया। जॉयस मेयर, लेकिन अभी देखो वर्ल्ड फेमस हो गए, डेव मेयर, जॉयस मेयर भी फेमस हुए डेव मेयर से, जॉयस मेयर से डेव मेयर भी फेमस, नहीं तो उनके बात को कोई सुनेगा नहीं ना, वो छोटा आदमी दुनिया में कहीं कोने में। अभी जॉयस मेयर का हस्बैंड है, उसका स्टेटमेंट्स को लोग सब लोग सुनेंगे। देखो एक एक विचार है, दैट इज़ द डिफरेंस। देखो कभी कभी एक एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा मैं आज एक्स्ट्रा एक्सेल, मेरे बच्चे लोग एक्सेल करना तो एक्स्ट्रा चाहिए, बोले एक्सेल करना है एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा। पांच मर्दी, पांच ना सोलो कुमारी, वो लोग क्या प्रॉब्लम था, तेल में एक्स्ट्रा नहीं ले गए, तेल तो ले गए एक्स्ट्रा नहीं ले गए एक्स्ट्रा। मैंने ओलंपिक वाला एग्जाम्पल दिया कि नहीं मालूम नहीं, एक आदमी को 6 फुट पार करना था, कुछ पारेंगे अदा पाते कुछ आइडिया कोडेंगे।
नहीं, कोई चर्च में होते हैं मालूम है, मैं बता रहा हूँ, एक पास्टर है, उनके लिए मीडिया मिनिस्ट्री के लिए कुछ लोग ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करके पास्टर को भेजेंगे, है ना, क्योंकि मेरे को ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ, ये सब क्यों चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल्स के लिए अच्छा होता है। तो वहाँ पर आदमी ने किया क्या, 6 फुट उसको पार करना था, और उसने इतना प्रैक्टिस ले लिया है कि दुनिया में सबसे पहले वही आदमी है 6 फुट पार किया, और उसने एक बार नहीं 60 बार कर चुका, कितने बार, 60 बार कर चुका लॉन्ग जंप, नहीं वो पोल वॉल्ट ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली आइडिया नहीं, इसलिए थोड़ा चेक करना, अभी मत चेक करना गूगल में। तो क्या किया उसने बंदा, व्यक्ति ने क्या किया, 6 फुट तो आराम से हो सकता है, चलो अभी ओलंपिक गेम आ रहा है थोड़ा सो जाते हैं, नॉर्मली यही होता है ना, 60 बार कर लिए मेरे जैसे, नेक्स्ट तो 5.75 है, अभी 5.75 वाला 6 फुट आने में इतना इजी नहीं है, तो आराम से हो सकता, लेकिन उसका कोच ने क्या किया, कोच वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका कोच आपके पास्टर आपको धक्का देने वाला चाहिए, 5 फुट कर रहे हो 6 फुट चलेगा बेटा, 5 फुट में रहो बोलने वाला अच्छा पास्टर नहीं है, कोच ने क्या किया भाई 6 फुट घमंड मत हो जाना, 6.25 तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो 6.25 कोशिश किया, 6 फुट तो होता ही है, उसको 6.25 करके दिखाया, गोल्ड मेडल ले लिया, फर्क कितना है 5.75 का फर्क, लेकिन वो एक्स्ट्रा में ही तो वो एक्स्ट्रा 0.1 को करके ब्रांज मेडल भी कुछ लोग खोया, कभी कभी कटोकट वो रिबन क्रॉस करते ना एकदम स्लो मोशन में देखेंगे, मालूम है मिनट्स मतलब बहुत ही मिली सेकंड्स में किसका दोनों पैर उस बाज में पहुंच गया, स्लो मोशन में देखेंगे पता, दोनों एक पार हो गया जैसे लगेगा, लेकिन ज़रा से फर्क है, 0.2 सेकंड्स का फर्क है, वही एक्स्ट्रा सेकंड उसको तोहफा के और ले गए, सॉरी इनाम के और, जो एक्स्ट्रा नहीं गए नहीं मिला। आज आत्मिक जीवन में आपके लिए अच्छे चीज़ दिया जा रहा है, हम आपको उत्साहित कर रहे हैं, धार्मिकता की रूप वरदान मिला है, अनुग्रह को मिला है, बहुत आज से ले लो, जीवन के हर कोने में जाने दो, आपके रिश्ता में, आपके आर्थिक समस्याओं में, आपके ज़रूरत के लिए, पापों की बंधन के लिए खोलने के लिए परमेश्वर की ताकत कार्य करने दो, रेगुलेटर खोलो, वाल्व खोलो, जीवन की सोता को खोलो, यीशु ने कहा मेरे पर विश्वास करने वाले उसके हृदय से गालियां बकने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे, जहां पर भी जाएगा थूकते रहेगा, बोलिए जीवन जल की नदियां बहते, जहां भी जाएगा वो झगड़ा करेगा, कौन सही है, मैं सही है, ये सही है, जीवन जल की नदियाँ बहती रहेगी, मेरे पर विश्वास करने वालों को हृदय से पवित्र आत्मा, हालेलुया, काफ़ी चीज़ हो गया है, रोमियो 5:5 पढ़ना, यही सब कैसे होते हैं, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा, बोलिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा, है ना, जब हम जुड़ जाते हैं, हम धर्मी गिना जाते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रेम के आत्मा को उंडेल देता है, रोमियो 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से, देखो ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपके आशा से आपके आशा फेल नहीं होगी, आप आशा रख रहे हो वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी, कारण क्या है, आशा से लज्जित नहीं होंगी, क्योंकि क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया पवित्र आत्मा में दिया गया है उसके द्वारा
परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखो ये भी मैं समझाता हूँ, ये भी मैं रास्ता में सोच रहे थे इस कार्य क्या है प्रभु जी, प्रभु ने क्या बोला मालूम है भाई, यही समझा वो लोगों को भाई, मैंने उन लोगों कचरा मन के अंदर मैंने पवित्र आत्मा को डाल दिया। हाँ ऐसे कचरा एक आदमी के अंदर मैंने पवित्र आत्मा को डाल दिया, यही मेरा प्रेम है। समझ में आया कि नहीं, यही प्रभु मुझे रास्ता में समझा रहा था। परमेश्वर का प्रेम मुंडे लगाया मतलब क्या है, पवित्र आत्मा दिया वही प्रेम है, पवित्र आत्मा के अंदर पूरा प्रेम है, पवित्र आत्मा मुझ में दिया वही प्रेम है ना। अगर आप होते मैं होते हम देते नहीं, अरे पवित्र आत्मा को तुम लोग दुखित करा दोगे, उसको दुखित कर दोगे, मैं कैसे दूंगा, तुम लोग बेकार हो। लेकिन जब मैं पापी ही था, यीशु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान, वो सब आगे आ रहा है, यही प्रेम है, यीशु मेरे लिए मरा वो प्रेम है, पिता मेरे अंदर पवित्र आत्मा को दिया वही प्रेम है, पिता मेरे कोई भी कुबियत के बगैर मुझे धर्मी गिना गए वही प्रेम है। इस प्रेम होने के कारण मेरा आशा टूटेगा नहीं, मेरा आशा लज्जित नहीं होगा, भले मेरे जीवन में कुछ बात हो गया है उसको मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे आशा रखूँगा, आशा नहीं टूटेगा। बोले मैं आशा रखूँगा, मेरे आशा नहीं टूटेगा, लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दिए हैं, परमेश्वर मेरे लिए यीशु मसीह को कुर्बान होने दिया है, उसके लहू से मुझे धर्मी गिना है, उसके मौत से मुझे मेल मिलाप कर लिया है, उसका जीवन मुझ में है, उस जीवन के द्वारा मैं राज्य करूँगा। यही वचन घर पे जाके मनन कीजिए, जब YouTube में डाला जाएगा एक बार सुन भी लीजिए, ये वचन बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक्स्ट्रा जो लिवरेज कैसे आएगा, शैतान को कैसे भगा पाएंगे, धार्मिकता के स्तर पर रहकर, दोषित मन से रहकर नहीं, धार्मिकता में रहकर, जीवन में रहकर, प्रभु का प्रेम में रहकर, मेरे ऊपर प्रेम करने वालों के द्वारा मैं जीवन से बढ़कर हूँ, उसका प्रेम के द्वारा, उसका प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। निज पुत्र को रखना छोड़ा सबके लिए दे दिया, उसके साथ सब कुछ क्यों नहीं देगा, क्वेश्चन। रोमी 8 में कितने सारे क्वेश्चंस, यही सब अर्थ ये है। प्रेम डाला गया, कैसे मैं बता रहा हूँ, प्रेम डाला गया मुझ जैसे पापी में, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देने के लिए वायदा किया। उस पवित्र आत्मा नहीं आया होता मैं कभी धर्मी नहीं बना सकता था, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, परमेश्वर ने वचन को दिया, परमेश्वर ने वचन का समझाने वाले प्रचारक लोगों को बना। क्या न किया मेरे लिए, तूने किया अनोखा प्यार। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज मैं कोशिश की आपके लिए अच्छा वचन देने के लिए, परमेश्वर आपको आशीष करें, इस वचन को इस्तेमाल करो। मैं यीशु मसीह में धर्मी हूँ, यीशु मसीह में मैं पवित्र हूँ, यीशु मसीह में पिता ने मुझे स्वीकार किया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा को दिया। ऐसा नहीं कि आपने पाप कर दिया तो पवित्र आत्मा भागा चला गया, वो नहीं है, पवित्र आत्मा आपका अंदर है, आपको पवित्र बनाता है, आपको और एक मौका देता है, कि पापों को माफ़ करता है। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, पापों को आप माफ़ करते हो, अनुग्रह देते हो, पापों को माफ़ करने वाला प्रभु अनुग्रह देते हो, अनंत काल के प्रेम से आपने हमारे ऊपर प्रेम किया। जो भी वचन आज मेरे द्वारा बच्चे लोगों को आत्मिक भोजन दिया, प्रभु मेरे भाई बहन बच्चे लोग कभी भी प्रभु से अलग न रहें, कभी भी अंधेरा का राज्य कार्य न करें, कभी भी मृत्यु न कार्य करें, आपका अंदर का जीवन कार्य करें। पवित्र आत्मा को दिया, प्रेम को दिया, आशा को दिया, लज्जित नहीं होने वाला, न टूटने वाला, कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं कराने वाले जीवित आशा को दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, इस आशा में हम आनंदित रहें,
बाइबल कहता है आशा में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, विश्वास में आनंदित रहो। हम आशा में आनंदित रहें प्रभु जी, कभी भी हम ठोकर न गाएं, दूसरों को ठोकर न खिलाएं, आगमन तक हमें संभालिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमेन।